हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RBGood Ideas। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 1 का पहला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। रियल नंबर्स के सारे एक्सरसाइज बहुत इजी हैं, बस 4-5 क्वेश्चंस ही थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक्सरसाइज 1.1 से पहले आने वाले जितने भी टर्म्स हैं या थ्योरी पॉइंट्स हैं, मैंने उनकी अलग से एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी है। उसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और हर एक टर्म बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं जनरल टर्म्स पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं और आपको सीधे एक्सरसाइज 1.1 पर ले चल रहा हूं। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 एंड 225। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। HCF का बेसिक नियम ये है, बेसिक रूल ये है कि स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड किया जाता है जब तक वो डिवाइड हो सकती है, मैक्सिमम डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो हम लोग सबसे पहले रफ करेंगे। रफ करने का जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड 5 या स्टैंडर्ड 6 में जो हम लोगों ने पढ़ा है, सिंपल वही HCF करने का, डिवाइड करने का प्रोसेस है हमारे पास। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 135 को डिविजर के फॉर्म में लेंगे और 225 को हम लोग डिविडेंड के फॉर्म में लेंगे। 135 से 225 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड होगा और हमारे पास 90 रिमाइंडर बचेगा। अब हम लोग 90 जो रिमाइंडर बचा, इससे हम लोग पहले वाले डिवीजर यानी 135 को डिवाइड करेंगे। HCF का ये बेसिक रूल है कि जो सेकंड स्टेप में हम लोग जब जा रहे होते हैं तो जो हमारा जो रिमाइंडर बचता है उससे हम लोग पहले वाले पार्ट के डिवीजर को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा 90 से हम लोग 135 को डिवाइड करेंगे। 90 से 135 में एक बार में डिवाइड होगा और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 45। अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। रिमाइंडर बचा हमारा 45 और इससे पहले वाले स्टेप में हमारा जो डिवीजर था वो था 90। तो हम लोग 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, दो बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 0। अब इस सारे प्रोसेस को जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 6 के प्रोसेस को फॉलो करके रफ किया है, उसको हम लोग यूक्लिड के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 225 को डिवाइड किया था 135 से, तो हम लोग लिखेंगे 135 इंटू कितनी बार डिवाइड किया था, एक बार, 135 इंटू 1 और हमारा रिमाइंडर बचा था 90। तो हम लोग लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम लोगों का 135, इसे हम लोगों ने डिवाइड किया था, क्या था, 90 से, एक बार में डिवाइड हुआ था और हमारे पास रिमाइंडर बचा था 45। अब हम लोग इसके बाद जाएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमारा डिवीजर था, सॉरी, हमारा डिविडेंड था 90 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 45 से, दो बार में डिवाइड हो रहा और रिमाइंडर बच रहा 0। इसलिए हम लोग लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि 90 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया 45 से, दो बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, वहीं पर हमारा इस मैथ का प्रोसेस एंड हो जाता है और हम लोग 0 से आगे जाएंगे तो जो सबसे पहला हमारा जो आंसर है वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा 45 से डिवाइड किया था, इसलिए HCF आएगा हमारा 45। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38 220, यानी 196 और 38 220 का हम लोगों को यहाँ पर HCF निकालना। तो बेसिक रूल है स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना। 196 से 38 220 को हम लोग एक बार में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 196 छोटा है और 38 220 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो हम लोग जैसे जनरली डिवाइड करते हैं पहले वैसे ही उसे डिवाइड करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ रफ में। तो हम लोगों को रफ में दिखाई दे रहा 196 से हम लोग 38 220 को एक बेसिकली जैसा जो हमारा प्रोसेस है डिवाइड करने का, हम लोग वैसे डिवाइड करेंगे। पहले एक बार में डिवाइड करेंगे, फिर
3 जितना वैल्यू बचेगा उसमें 2 को लेंगे 1862 होगा, फिर उसे 9 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जितना वैल्यू बचेगा हमारा वो बचा हमारा 98, लास्ट में हमारा आया हुआ है यहाँ 0, उसको कैरी करेंगे 980 हो जाएगा, 196 से 5 बार में 980 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और देखते हैं ये जो हम लोग डिवाइड करते हैं तो 196 से 195 बार में 38 to 20 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर बचता है 0। तो अब हम लोग इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखेंगे। हम लोगों ने 196 से डिवाइड किया, उसको आगे लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन यानी आंसर आया 195 इंटू दे करके हम लोग उसको लिखेंगे, हमारा रिमाइंडर बचा 0 तो प्लस दे करके हम लोग 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 196 से 195 बार में ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर बच रहा है 0, इसलिए HCF का प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारा 196। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 196। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255, हमें इसका HCF निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ ऊपर में मैंने लाल से इंपॉर्टेंट लिख दिया। अब देखिएगा इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे उसमें स्मॉलर नंबर आगे थी और ग्रेटर नंबर पीछे थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर 867 आगे है और 255 पीछे, लेकिन इससे कोई कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। HCF निकालने का बेसिक रूल याद रखना है, स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले रफ में देखते हैं, 255 से 867 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 बार में डिवाइड होता है, 765 हमारा आंसर आता, रिमाइंडर बचता 102। अब यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ, 102 से हम लोग पहले वाले डिवीजर को यानी 255 को डिवाइड करेंगे, 102 से 2 बार में डिवाइड होगा 204 आएगा, बचेगा हमारा रिमाइंडर 51। अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, हमारा जो यहाँ पर रिमाइंडर है 51 वो बन जाएगा डिवीज़र, और इस 51 से हम लोग सेकंड स्टेप के डिवीज़र यानी 102 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 0, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब हम लोग इसको यूक्लिड के प्रोसेस में लिखेंगे, 867 को हम लोगों ने 255 से 3 बार में डिवाइड किया था, रिमाइंडर बचा था 102, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड स्टेप में 255 को डिवाइड किया था, 102 से 2 बार में डिवाइड हुआ था और 51 हमारा रिमाइंडर बचा था। उसके बाद थर्ड स्टेप में जब हम लोग गए थे तो 102 को हम लोगों ने 51 से डिवाइड किया था, 2 बार में डिवाइड हुआ था और रिमाइंडर बचा था 0, नील बचा था, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा था, यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है, इसलिए हम लोग आंसर लिखेंगे HCF इक्वल टू 51। इस तरह से हमारा ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ये एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें शो करके बतलाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 6q+1 के फॉर्म में होगा या 6q+3 के फॉर्म में होगा या 6q+5 के फॉर्म में होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। हम लोग यहाँ पर दो नंबर लेंगे, एक नंबर लेंगे ए, लेट ए इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरी नंबर लेंगे बी, यानी बी इक्वल टू 6। बी इक्वल टू 6 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 6 के फॉर्म में, 6q+1, 6q+3 इसलिए और 6q+5, इसलिए बी इक्वल टू 6 लेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले स्टेप में, यूक्लिड के एल्गोरिदम के फॉर्म में अब हम नंबर को लिखेंगे। तो हमारी पहली नंबर थी ए, ए इक्वल टू लिखेंगे 6q+r फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड r का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 तक इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू 6 है, a को हम लोग 6 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 6q+r लिखेंगे। यहाँ पर q जो है वो क्वेश्चन है और r जो है वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, इसलिए 0 से 5 तक लिखेंगे, लास्ट में फिर लिखेंगे बिकॉज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 6, 6 से
छोटा ही होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर जितने केसेस हमारे पास आए हैं, 6 केसेस आए हैं, 0 से लेकर के 5 तक, उसी फॉर्म में हम लोग नंबर को लिखेंगे। सबसे पहले a इक्वल टू 6q + 0, 0 यहाँ से उठाएंगे, तो उसके बाद उसको फिर लिख देंगे 6q। उसके बाद सेकंड लेंगे a इक्वल टू 6q + 1, उसके बाद फिर अगला लेंगे 6q + 2, फिर उसके आगे चलेंगे a इक्वल टू 6q + 3, फिर उसके आगे चलेंगे a इक्वल टू 6q + 4, फिर उसके बाद चलेंगे a इक्वल टू 6q + 5। इस तरह से 6 केस को, टोटल 6 केस को हम लोगों ने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर 6q को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, 6q + 2 को छोड़ देंगे और 6q + 4 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं वो इवन नंबर के फॉर्म में, क्योंकि सबके लास्ट में या तो 0 बच रहा या फिर 2 या फिर 4। उसके बाद अब हमारे पास सिर्फ तीन नंबर्स बचेंगी, पहला होगा 6q + 1, दूसरा बचेगा 6q + 3 और तीसरा बचेगा 6q + 5। हम सिर्फ इसी को उठाएंगे, पिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑड। तो चलिए सबसे पहले 6q + 1 को लेंगे, लिखा हम लोगों ने, उसके बाद उसको फैक्टराइज किया तो हो गया 2 × 3q + 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 × तो 2 जो है वो लिखेंगे और 3q के बदले में k1 लिख देंगे, और इस तरह से हमारा फॉर्म जो आएगा वो होगा 2k1 + 1, वेयर k1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। फिर सेकंड नंबर उठाएंगे 6q + 3, उसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 6q को हम ब्रेक करेंगे 2 × 3q में और 3 को ब्रेक करेंगे 2 + 1 में। उसके बाद 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3q और यहां जो 2 कॉमन क्या उसके बदले में 1 बचेगा, लास्ट का 1 जो वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, और फिर उसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे 2k2 + 1, वेयर k2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग चलेंगे थर्ड केस में, थर्ड केस है 6q + 5, यहां पर भी 6q को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3q, उसके बाद 5 को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे 4 + 1, उसके बाद उसमें से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q और 4 के बदले में यहां पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 और ये जो हमारा जो 1 था लास्ट का वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। उसके बाद उसको हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे 2k3 + 1, वेयर k3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोगों ने देखा यहां पर जो तीनों नंबर हमारे पास आई, तीनों जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में जो आ रही है वो 2k + 1 के फॉर्म में आ रही है, k1 k2 k3, लेकिन तीनों का फॉर्म है 2k + 1, और ये सारी की सारी नंबर जो है दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, इस तरह से लिखेंगे। अगर वो डिवाइड होती तो लास्ट में 1 नहीं बचता, इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी की सारी नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। यहां तक हम लोग लाएंगे, लिखेंगे दीज आर ऑड नंबर्स, उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट था उसमें से हम अपना फाइनल आंसर उठाएंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट था, इसको लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पर दो वैल्यू है, एक है आर्मी कंटिजेंट है, एक आर्मी का मेंबर्स का ग्रुप है जिसमें के 616 मेंबर्स हैं, और दूसरा है एक आर्मी बैंड जिसमें के 32 मेंबर्स हैं। आपको इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, लाइन में, कतार में जाना है, तो हमको यहाँ पर निकालना है कि इन लाइन्स का, इन कतार्स का, इन कॉलम्स का मैक्सिमम नंबर क्या होगा। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में पूछे मैक्सिमम नंबर तो समझ जाइए कि वहाँ पर आपको HCF निकालना है, इसलिए इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को HCF ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किस मेथड से कैलकुलेट करना है, जनरल फॉर्म से, डिवीजन मेथड से, या फिर यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम से, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि ये चैप्टर यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम का चैप्टर चल रहा है इसलिए हम लोग उसी मेथड से यहाँ पर इसको फॉर्म करेंगे। हाँ, लेकिन रफ हम लोग उसी डिवीजन मेथड से करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग रफ पर चलते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर 616 है और स्मॉलर वैल्यू 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, 19 बार में डिवाइड होगा और हमारा लास्ट बचेगा 8। इस 8 जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इससे हम लोग फर्स्ट डिविजर यानी कि 32 को डिवाइड करेंगे। 8 से 4 बार में 32 हमारा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखेंगे। 616 को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 32 इंटू 19 प्लस 8, क्योंकि 32 से 19 बार में डिवाइड किया था और 8 रिमाइंडर बचा था। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग गए थे, 32 को लिया था, 32 को हम लोगों ने 8 से डिवाइड किया, 4 बार में डिवाइड हुआ था और रिमाइंडर 0 बचा था, इसलिए लिखेंगे 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब प्रोसेस यहीं पर एंड हो गया और हमारा जो है 8 से 32 पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, इसलिए एचसीएफ हो गया हमारा 8। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू जो हमारा एचसीएफ आया है वही हमारा आंसर होगा। हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 8। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 8 और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फॉर्म हो गया, हमारा सॉल्यूशन यहीं पर फिनिश हो गया, आंसर हमारा आ गया 8। आप देखेंगे कि मैंने सारे आंसर को जहां तक हो सका अंडरलाइन करके लिखने की कोशिश की है। आप लोग भी जब एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे तो आंसर को या तो डब्बे में इस तरह से बंद कर देंगे या नहीं तो फिर इस तरह से आंसर के नीचे दो बार लाइन दे देंगे, इससे आपके आंसर में कॉपी चेकिंग में आसानी होती है और मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिविजन लेम्मा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये क्वेश्चन 3 के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो हम लोग इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे, दो नंबर लेंगे, लेट a इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर और b इक्वल टू 3। b इक्वल टू 3 क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 के फॉर्म में है। अब हम लोग चलेंगे इसको यूक्लिड के एल्गोरिदम के हिसाब से लिखेंगे। a इक्वल टू 3q प्लस r जनरलाइज फॉर्म में लिखा, फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0, 1, 2। 2 तक क्यों लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 के फॉर्म में, इसलिए 3 से ज्यादा नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, उससे एक घर कम लेना है। बिकॉज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 3। अब हमारे पास तीन केस है, तीनों केस को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q और a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए, इसलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हम लोग तीनों केसेस को स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे। पहला केस लेंगे 3q ब्रैकेट में बंद करेंगे, होल स्क्वायर देंगे तो वैल्यू आएगा 9q स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3q स्क्वायर इक्वल टू 3m1 यानी 3q स्क्वायर के बदले में m1 ले लेंगे। अब दूसरा केस लेंगे, फिर लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक कर देंगे, लिख देंगे, उसके बाद हमारा वैल्यू आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। 9q स्क्वायर भी 3 से फैक्टराइज हो रहा, 6q भी 3 से फैक्टराइज हो रहा, 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और 1 को बाहर कर देंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदले में m2 लिखेंगे और फिर प्लस 1 लिख देंगे। अब हम लोग चलेंगे थर्ड केस में, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर देंगे इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, वैल्यू आएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। उसके बाद हम तीनों घर को एक एक करके फैक्टराइज करेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4q और 4 को हम लोग ब्रेक कर देंगे 3 प्लस 1 के फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पर तीन घर ऐसे हैं जिनमें के 3 कॉमन है, उस 3 को कॉमन कर लेंगे, बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4q और यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा तो उसके बदले में बचेगा 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लास्ट का 1 जो है वो प्लस 1 लिख करके बाहर में ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 के बदले में m3 लिखेंगे और प्लस 1 वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास तीनों फॉर्म आ गए, हेयर m1 m2 एंड m3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इतना लिख देंगे, इससे आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, लिखने का कोई फायदा नहीं है। फाइनल आंसर लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इतना लिखेंगे, हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से जस्टिफिकली प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 5, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पर स्क्वायर था और यहां पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब, उसी तरह से मिलते जुलते प्रोसेस से बनाएंगे। मैंने यहां पर आप लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन बतलाना शुरू किया है, देखेंगे तीनों क्वेश्चन को लगभग एक जैसे पैटर्न पर मैंने बतलाया ताकि आप लोगों को समझने में, प्रैक्टिस करने में और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको ईजिली बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर भी दो नंबर लेंगे, एक लेंगे लेट ए इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, b इक्वल टू लेंगे 3 क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्यूब के फॉर्म में, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहां पर जो है लेंगे b इक्वल टू 3। अब हम लोग चलेंगे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। चलिए तो हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस r फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 के फॉर्म में जाना है इसलिए 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 0, 1 एंड 2 लिखेंगे, बिकॉज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 3। अब उसके बाद हमारे पास तीन केस हैं, तीनों केसेस को लिखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q और a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब उसके बाद एक एक करके केस उठाते जाएंगे और उसका क्यूब करते चले जाएंगे। पहला था a क्यूब इक्वल टू 3q ब्रैकेट में बंद करके क्यूब देंगे, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो 27q³ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 से इसको फैक्टराइज करेंगे तो 9 × 3q³ वैल्यू आएगा, 9 लिख देंगे और 3q³ जो वैल्यू बचा उसके बदले में m1 लिख देंगे। अब हम लोग सेकंड केस में जाएंगे, फिर से लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 3q+1। यहाँ पर मैं ऊपर में क्यूब देना भूल गया हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, 3q+1 होल क्यूब। उसके बाद इसको a+b होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, हमारा वैल्यू आएगा 27q³ + 27q²+9q+1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर तीन घर ऐसे जिसमें 9 कॉमन है, उसमें से 9 बाहर कर लेंगे तो बचेगा 3q³ 3q² और यहाँ पर 9 कॉमन आ जाएगा तो अंदर में बच जाएगा सिर्फ q और ये जो 1 है लास्ट वाला वो ब्रैकेट के बाहर +1 करके लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 9 लिखेंगे और जो ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू आई उसके बदले में लिख देंगे m2 और ब्रैकेट के बाहर जो +1 बचा हुआ उसको लिख देंगे, यानी 9m2+1। अब हम लोग चलेंगे थर्ड केस में, थर्ड केस में भी वैसे लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 3q+2। यहां पर भी मैं क्यूब देना भूल गया हूं, क्यूब दे देंगे 3q+2 होल क्यूब इक्वल टू, उसके बाद a+b होल क्यूब के फार्मूला से इसको हम लोग खोल देंगे, ओपन कर देंगे। उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे 27q³ + 54q² + 36q+8। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर हमारा तीन घर ऐसा जिसमें के 9 कॉमन है, 9 को फैक्टराइज करके बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3q³ + 6q² + 4q, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लास्ट का +8 ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। उसके बाद फिर 9 लिखेंगे, ब्रैकेट वाले वैल्यू के बदले में m3 लिखेंगे और +8 लिख देंगे। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर आ जाएगा तीनों वैल्यू, पहला आ जाएगा 9m1, फिर आ जाएगा 9m2+1, फिर आ जाएगा 9m3+8। हेयर m1, m2 एंड m3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हम लोग लिख देंगे और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा अब हम लोग उसको लास्ट में लिखेंगे। हम लोग लिख देंगे फाइनली कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप कि ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में जरूर आ गया होगा। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।